तो नमस्कार दोस्तों, मैं थल्ला करना वापस आ गया एक नई वीडियो के साथ। और काफी समय बाद आया और आज की वीडियो में मैं बहुत ही खास चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। और उसके बाद मैं खास बात ये करने वाला हूँ कि क्या आप लोगों ने कोई 3D बॉलीवुड पिक्चर देखी है। याद है 2011 का समय जब रावण आई थी, 2012 का समय जब क्लास 3 आई थी, और उसके बाद रेस्त्री। तो आज मैं उसी फिल्म के बारे में बात करने जा रहा हूँ। बिल्कुल सही, उसी फिल्म के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए सीधे सीधे वीडियो शुरू करते हैं। रेस 3 इज 2018's मोस्ट मार्वेलस, स्पेक्टेक्युलर एंड एनर्जेटिक साइंस फिक्शन 3D मूवी। अब ये सारी चीजें तो उसके डिस्क्रिप्शन में दी नहीं है, लेकिन कहना जरूरी है क्योंकि फिल्म साइंस फिक्शन है। फिल्म में साइंस फिक्शन इतना तगड़ा है कि बुलेट रैंडमली चलती है, कभी बुलेट का काम करती है तो कभी फायर ग्रेनेड का। हट इतने कमाल के है कि गाड़ियाँ गिरने के बाद हट उड़ी जाता है। गाड़ियाँ इतनी कमाल की है कि अगर ट्रक सामने से चल के आए तो ये नहीं कि ट्रक के कारण गाड़ी हट जाए, ये नहीं कि ट्रक के कारण गाड़ी उड़ जाए, या ये नहीं कि गाड़ी के कारण ट्रक उड़ जाए, बल्कि गाड़ी दो हिस्सों में कट के उड़ जाती है। अब फर्दर इस फिल्म के बारे में कुछ बताने के लिए लेट्स गेट टू द ग्राउंड। दिस विजन्स बेटर। तो रेस 3 का VFX देने वाली कंपनी है प्राइम फोकस कंपनी, द बिगेस्ट लेजेंडरी इन बॉलीवुड्स VFX सिनेमा। तो मैं दो फिल्मों की बात करूंगा, एक है फ्लाइंग जट और दूसरी है शिवाय। अब एक को VFX दिया था प्राइम फोकस ने और दूसरे को VFX दिया था NY VFX वाला ने। ये अलग अलग कंपनीज होती हैं एंड यू नो विच वन टर्न इनटू अ डिजास्टर। तो इस फिल्म को भी VFX प्राइम फोकस ने दिया है। तो एक दिन इसी सीन के लिए उनके बीच में एक कमाल का कॉन्वर्जेशन हुआ। तो VFX सुपरवाइजर हु इज एंड द असिस्टेंट हमारे बीच में कुछ ऐसा कॉन्वर्सेशन हुआ। सर, रेमो सर के पास एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। उन्होंने कहा है कि सलमान भाई को बाइक में बिठा के उड़ा दे क्या, मतलब एक बीच बैकग्राउंड में ब्लास्ट हो रहा है और गाड़ी बाइक में सोते जा रहे हैं, तो कहाँ लगेगा? सुनने में तो अच्छा लग रहा है, तुमने कुछ सोचा है? हाँ सोचा है ना सर, वैसे तो ईजी है, ग्रीन स्क्रीन में। कर देना असिस्टेंट वाली बात, मैं बता तो कैसे करते हैं। देख, अपने गटर के नाली में पड़ा रहता ना वो कुल्लू का लिया। कुल्लू? अरे वही रे, वो भाई ने गाड़ी से उड़ा दिया था, पड़ा रहता। वैसे उसको थोड़ा पाउडर वाउडर मुंह पैर पे लगा के बाइक पे बिठा के उड़ा देना, मर वर गया तो फर्क नहीं पड़ता। फिल्म के बाद लोग मरने वाले वैसे भी देख के। ओके सर। और हाँ, मुंह पे मास्क लगा देना भाई का, मास्क जानता है, मास्क लगा देना। और अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो मास्क को ऐसा ऐसा करके डाल देना वो कंप्यूटर में, मेरे को बोल देना, मैं कर देगा। ठीक है? ओके सर, शॉट रेडी हो जाए उसके बाद आपको एक बार दिखा देता हूँ। अब इस चीज का रिजल्ट ये सीन हुआ। Realize that this action is going to look so spectacular. अब मैं आप लोगों को एक और सीन दिखाना चाहूंगा और आखिरी सीन दिखाऊंगा फिल्म का भी, यही आखिरी सीन ही है, ज्यादा बोर नहीं करना चाहूंगा आपको। तो फिल्म में एक ऐसा सीन आता है जहां पर भाई अपने एडवांस सैटेलाइट की मदद से, अपने खुद के सैटेलाइट की मदद से अपने रहस्यमय दुनिया को एक ब्लूप्रिंट माफिक ट्रैक करते हैं और इतना फटाफट लोकेशन निकालते हैं जहाँ पर दो गाड़ियों को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रेस किया जाता है एंड उन्हें लॉकडाउन किया जाता है फॉर द रॉकेट मिसाइल लॉन्चर जो इलेक्ट्रॉनिक तक नहीं है। अब ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी तो गैन साइंस फिक्शन। तो इस सीन के दौरान जहाँ पर भाई 15 से 20 मिनट लगाते हैं गाड़ी से उतरने में, पीछे वाली सीट में जाने में, रॉकेट निकालने में और रॉकेट छोड़ने में, और उस बीच 5 मीटर चलने में भी, तो उसके दौरान एक
बहुत ही रहस्यमय घटना घटती है और वो शायद आपने ऑब्जर्व नहीं की होगी, तो मैं आपको ऑब्जर्व करा देता हूँ। अबे ये क्या है? माना कि भाई कंधे से ऐसे झुक के चल रहे सीन में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरे कंधे पिघला के टट्टी बना के नीचे ही गिरा दो भाई। Again the credit goes to the science fiction epic masters prime focus VFX company। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया है मुझे भी नहीं पता, ये चीज तो सीधे सीधे रिकॉर्ड भी की जा सकती थी। मुझे लगता है कि ये पीछे से सीन रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो प्राइम फोकस वालों को बोला कि एक नया सलमान खान बना दो, और उन्होंने ये बनाया। सो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन यही निकलता है कि यार रेस थ्री कमाल के पिक्चर है, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े माइनर कट्स नहीं यार, अब सीरियस हो जाते हैं यार। रेस थ्री साल की सबसे घटिया और वाहियात फिल्म है, और इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको लुभा सके या कह सके कि भाई आप ये फिल्म दोबारा 4-5 बार देखो। तो वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद है आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यार बहुत समय लगा मुझे वीडियो बनाने में, काफ़ी मेहनत भी की है, तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो यार लाइक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना यार, सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा यार। लाल बटन को दबाओ और फिर काले घंटे को दबाओ यार, बोलने भी नहीं होता यार मेरे से, बहुत टेक लेने पड़ते हैं। जो भी है बंद करते हैं यार, वीडियो को एंड करते हैं फाइनली, बाय।